सो गाइस फाइनली वहाँ से फ्री हो चुका हूँ मैं। काफी मशक्कत करना पड़ा। आप अगर ब्लॉगिंग सेक्टर में कदम रख रहे हो भाई, इतने चोचले ना, इतने चोचले। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है, खासकर जब आप रेनी सीजन में अगर आप ब्लॉग बनाते हैं ना भाई, सारी चीजें आपकी पहले से तैयार करके आना भाई घर से। इतनी बुरी हालत होगी तुम्हारी। कि भाई आप सोच नहीं सकते, मजाक नहीं है कोई, ब्लॉगिंग भीन कड़ा पानी आनी में बरसात में, और आप बरसात में निकलते हो ना, आपको बहुत मजा आता है भीन कड़ा पर। चहा गाड़ी ने कोटर कोटर पुटर पुटर करी भाई, आपकी महिमा डोली। सही पकड़े हैं भाई साहब, ये देखो शानदार नहर है, देखो आप। चलो आपको दिखाता हूँ थोड़ा कुछ, एक एक जगह दिखाते जाऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, ये खड़ी अपनी गाड़ी और मैं भी हूँ पूरे जंगल में। आप मेरे जूते में देखो पानी भर चुका है, मैं आपको नहर की ओर ले चलता हूँ। गाइस बहुत मेहनत लगती है, बात तो सही है। काफी ऊपर खावाड़े पे हैं, ये देखो भाई साहब आप, तो ये देखो ये है पुल, ये देख सकते हो आप, गाड़ी अपनी उधर खड़ी है और मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। ये है भोपाल टू होशंगाबाद जाने के बीच में एक जगह है, काफी अच्छी है, यहाँ पे पहले मैं फोटो शूट कर चुका हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, आज से 6 साल पहले जब बच्चे हुआ करते थे हम। हाँ? पानी का कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हम पास नहीं जाएंगे क्योंकि ये बढ़ सकता है कभी भी। जैसा मौसम चल रहा है वो काफी बेहतरीन सा है यार, आपको दिखाता हूँ, वो देखो भयंकर सेक्सी जगह यार, बट मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, इतना ही दिखाना चाह रहा था, दिखा दिया हूँ। थोड़ा टॉयलेट लगी है तो अपन थोड़ा पेड़ों को पानी दे दें। इधर खड़ो के देंगे, उधर से दिख जाएगा, पानी देंगे तो लोगों को कि नल कितना बड़ा है। तो मैं टॉयलेट करता हूँ। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, ए मेरे आने जा, नीचे मत देखना, नीचे कुछ और ही निकला हुआ है। ऐसे आपको ना मध्य प्रदेश में आपको ऐसे हर जगह मिल जाएगा भाई साहब। आप बताऊँ, अभी तो मैं पचमढ़ी आपको लेके नहीं गया, आप तो पागल हो जाओगे भाई, पचमढ़ी आपको दिखा दिया तो मैंने अपने नज़रिए से। नाइस, हल्का हो चुका हूँ, अच्छा रहता ना बरसात में, कभी भी कर तो पता भी नहीं चलता। तो ये हमारी रधनो गाड़ी है, अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर। मैं आपको दिखा तो चलूँगा, आप तो भरा जाओगे सर, ये पूरा जंगल है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफ़ी नाइस है। तो चलते हैं, किधर से आ रहा रे? सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं नहीं मानता। मेरा भाई फिर कहाँ से आ रहा, पचमढ़ी गए थे क्या? बारिश में तो जाते हैं, मजा आएगा ना, एडवेंचर ब्लॉग बनते हुए भाई साहब। सो गाइस सब्सक्राइब करना। मैं तो लिंक भेज दूंगा भाई, इनको भेज दियो। चल बढ़िया, मैं भाई सोच रहा हूँ यार कौन है यार, समझ गया तूने, कहा भैया माल तेज चाहिए, तुम भी पहुंचो भाई, ठीक है वहाँ मिलते हैं। अरे मुँह नहीं गया था रे वहाँ, मैंने कहा यार ये दिखा देते हैं थोड़ा, ये भी कैसा क्या चल रहा है, ठीक है भाई आराम से पहुंचो, पानी गिरा, ठीक है। अब मैं छुट्टी बना सकता था, मैं बोल सकता था अरे मेरे सब्सक्राइबर आ गए भाई, सब्सक्राइबर आ गए। क्या बात, अरे यार क्या मतलब का छुट्टी बनाना लोगों को यार, जो है सामने भाई, भाई ये तो भाई है, भाइयों को अगर मैं सब्सक्राइबर बना के तुम्हें सामने पेश करूँ कि यार देखो मेरा सब्सक्राइबर मुझसे मिल रहा है, फलान डवान उल्टी सीधी बातें, तो भेंगला कोई जिंदगी का मकसद थोड़ी ना रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ओ भाई साहब, चुत्ती बरसात में भुट्टे मिल रहे हैं, बताओ हर सुविधा दी जा रही है इस रोड पर। नहीं, मैं नहीं मानता। अभी तो आपको मेन जगह लेके जाऊंगा भाई, बने रहो हमारे साथ, पोस्ट कर रहा हूँ। सॉरी गाइस, रॉन्ग साइड से जाना पड़ रहा है क्योंकि उस साइड से उतना व्यू मैं दिखा नहीं पाऊंगा, कैप्चर नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। इस साइड से जा रहा हूँ बट मैं पूरी सेफ्टी के साथ जा रहा हूँ। अब यहाँ से आप व्यू देखिए, पागल हो जाओ यार आप, ऐसी व्यू मतलब लाखों में एक भाई, लाखों में एक। देखो बादल, मतलब व्यू देखो आप, मजा नहीं आया तो पैसे वापस, आप ब्लॉग देखना ही नहीं। मेरी जान क्या बोलती पब्लिक। Approximately 10 hours later. So guys यहाँ पे लगा है मेला, तो मेले में ये दिल अकेला। Emotional damage. मेला ये दिल अकेला चल रहा है यहाँ मेला, हिल हिल दबंग दबंग दबंग। सो हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दी है गाइस,
आप गाड़ी दिखाता हूँ आपको, ये है हमारी गाड़ी। Oh my God! Wow! ये हाईवे और ये व्यू, इतनी बेहतरीन लग रही है हमारी ब्लैक विडो। अब लगाते हैं यहाँ कहीं गाड़ी और अपन शुरू करते हैं ब्लॉगिंग। हो गया 100 वैरायटी के लोग हैं, 100 लोगों से अपन को रहना है दूर नहीं, अपन रखाएंगे गाड़ी किधर, इधर तो भीड़ है भाई। थोड़ा हल्की जगह पे गाड़ी लगाई जाएगी, थोड़ी हल्की। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ छाया किधर जाए, बाकी रब रखा यहीं लगा दूंगा गाड़ी। तो गाड़ी यहाँ लगाने के बाद अब चलेंगे ऊपर, मुझे नहीं लगता गिरेगी। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ राइट एंगल लगा लूँ क्या, पानी गिर रहा है, रिस्क लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। One eternity later. इसी चला जाए, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है गाइस, ये देखो पब्लिक देखो आप, तो भीड़ हो रखी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं। सो यहाँ से नहाते हुए देख सकते हैं आप। सो गाइस ऐसे करके चलते हुए भाई थोड़ा जूम भी करके दिखा सकता हूँ मैं। तो गाइस ये है होशंगाबाद और भोपाल के बीच का नजारा, वाओ। नीचे बढ़ रहा हूँ, ये काफी ही सेक्सी है बट गंदा भी है, बट बहुत सेक्सी है भाई नारा। देखो आप चट्टानों के बीच में से पानी, यहाँ से हाईवे के जस्ट बगल में आप कभी भी आ सकते हैं। और ये जस्ट इतना ही नहीं है, ये काफी दूर तक जाता है ये पानी। सो गाइस जिसे भी आपने देखा वो मैं ही हूँ, बट समय का चक्रव्यूह ने मुझे इस काबिल बना दिया कि ये देख रहे हैं आप मेरी हालत, मेरा हादसा मुझे इस मुकाम पर ले आया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। वो तो एक शूट चल रहा था अजय देवगन के साथ, औरों में कहां दम था, वो मूवी का नाम है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये बार ऊपर से दिखा दिया जाए, दिखाना चाहूंगा कैसा दिखता है। इंसिक्योर करते हैं लोग, ये देखो आप यहाँ से देख सकते हो नीचे, और ये आ रहा है पानी, और ये सब नहा रहे हैं, और ये अपना नेशनल हाईवे 69 पता नहीं। सो एक और आपको जगह दिखाता हूँ, वो नज़ारा क्या बात है। सो गाइस चलते हैं आगे डेस्टिनेशन की ओर, कैसे भी कैसे निकल के चलो। को लेके जाता हूँ गाड़ी के पास, यहाँ पे भुट्टा मिल जाएगा, तो जिन जिनको भुट्टा खाने का शौक है वो भुट्टा खा सकता है। सही पकड़े हैं। अभी हमारे यहाँ नया है, थोड़ा ब्लॉगिंग कोई करता नहीं बेसिकली, तो उससे थोड़ा कुछ समझना नहीं, अपन थोड़ा नया आ रहे हैं तो फिर पब्लिक घूर के देखती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी महबूबा के पास या सो गाइस अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है। क्या तो जगह है भाई साहब, बेहतरीन जगह, आप जरूर आइए गाइस। यहाँ पे होशंगाबाद भोपाल के बीच में पड़ता है, होशंगाबाद से करीबन ये पड़ेगा 23 किलोमीटर, भोपाल से पड़ेगा कम से कम 70 किलोमीटर, अप्रॉक्स 70-80 किलोमीटर। तो जो भाई साहब एंजॉय करना चाहते हैं बरसात को वो आ सकते हैं, और हमारा ब्लॉग भी देख के अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसा कोई लोड ना है, इधर का वाइजर हटा दो, नहीं रहा कुछ, एक तो रॉन्ग साइड चला रहा हूँ, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दिस, लेट्स गो। आज मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे एक और ब्यूटीफुल जगह नहीं मानता।
से मैं अभी जा रहा हूँ ना, मैं इस साइड से क्यों आया, उस साइड से मैं आपको वो लोकेशन नहीं दिखा पाता, बट इस साइड से मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको वो लोकेशन दिखाने के लिए। आपको बहुत मज़ा आएगा, कसम से पानी नहीं गिरता ना, इतना प्यारा दिखाता आपको व्यू कि आप तो बेहोश ही हो जाते। Shut the fuck up, bitch. तो वो देखिए गाइस, वहाँ से ट्रेन जा रहा है और यहाँ पे भी एक नाला है। काफी बेहतरीन सा हो रखा है मौसम, बेहतरीन सा हो रखा है ये मोमेंट, बस देखते जाइए गाइस। आपको दिखाने के लिए रिस्क ले रहा हूँ मैं, उधर पे भी बादल है। अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट। मेहनत बिना कुछ भी नहीं मिलता, ये बचपन से हमें सिखाया जाता है, बट ये एकदम सच्ची और सच्ची 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 बातें हैं, इसको आप थुकला नहीं सकते बिना मेहनत के। क्या बात है? तो मैं वही कर रहा हूँ आपके लिए कि ये एरिया ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर कर सकूँ। सो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे। अरे बहन चुप, ये चीज़ तो दिखानी पड़ेगी, गाड़ी रोको, मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, आप भी क्या याद करोगे भाई। हाँ, पार्क कर दी है, मैं अब आपको एक चीज़ सीन दिखाता हूँ। लोकेशन यहाँ पे कुछ मरा हुआ है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि भेनगढ़ उल्टी कर दूँ। लोकेशन देखो भेनगढ़, लोकेशन ब्रो, लोकेशन। ये मेरा कुछ अलग ही गोबरों है जिसको जूम भी हो जाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा? देखो भाई बादल देखो आप, तो बादल, अगर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बादल दिखाने की, देख सकते हैं आप बादल। और ये यहाँ से ट्रेन रूट है, जैसे कि आप ट्रेन से आ सकते हैं। इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, सारे गाड़ियाँ आ रही हैं, गचागच गचागच। कोई सेंस है इस बात की? बेसिकली मैं गाड़ी रोकी थी यहाँ पर आपको ये बादल दिखाने के लिए। व्यू देखो गाइस आप, व्यू देखो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा मजा आए। अब चलते हैं अपनी गाड़ी की ओर, बस ये लोकेशन के लिए आपको रुका था मैं। क्या बात है? चलो भाई आगे चलते हैं, अब चला जाए बिना किसी बकचोदी के। तो मैं लेके आया हूँ आपको इंसान करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इतने शानदार शानदार लोकेशन आज कम से कम 100 बार रुक चुका हूँ मैं भाई। सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा हो गया यार। जय श्री राम, जय श्री राम, सबको डालेंगे ब्लॉग में। जय भोलेनाथ, सही है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ बाबा, हर महादेव। ये हुई ना बात, ये हमारे देश की संस्कृति, बोले सही आ रहा, सही आ रहा भाई। जय श्री राम, जय हुई ना बात, ये हमारी संस्कृति ब्रो। दिस इज कॉल्ड अवर सनातन धर्म, जहाँ पर प्रेम सद्भाव से बिना किसी स्वार्थ के लोगों से यात्रा करते हैं। वाह, आई लाइक इट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। काश मैंने के लिए कुछ कर पाता यार, कुछ 20 रुपये ना आज में। चलो नेक्स्ट टाइम कोई ना, जब होगा तब करा जाएगा, अभी भी देर नहीं हुई है। और बस ये लोकेशन आपको दिखाना चाह रहा था, आगे बढ़ते हैं गाइस। ऐसा कैमरा के थ्रू और रियल लाइफ में दिखाना, दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क है, बहुत ही ज़्यादा फर्क है। बात तो सही है मतलब जमीन आसमान का फर्क होता है कोई भी चीज़ में। और भाई सतकुंडा कहते हैं इसको, सतकुंडा। आप अगर होशंगाबाद साइड आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये सतकुंडा है, और इसका बनाऊंगा मैं वाइड एंगल ब्लॉग भाई साहब। अरे अरे अरे, गाड़ी गिर ही जाएगीगा, राम भरोसे चल रही है हमारी गाड़ी यहाँ पर, विदाउट हेजिटेशन। नीचे जा सकते तो नीचे जाते, पर नीचे नहीं जा पाएंगे तो यहीं से ले लें। एक ब्लॉक तो यहाँ का बनता है। चलो भाई अपना वाइड एंगल निकालते हैं। गाइस मैं वाइड एंगल का यहाँ पर अनबॉक्सिंग करता हूँ, बैकेट तो मेरे पास है नहीं, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये थैला मिला था मुझे रेंडू सा, जिसका कोई मतलब नहीं है यार, इसका कोई मतलब ही नहीं लगा मुझे, समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया तो बताना। बाकी जो लेंस है वो काफ़ी बेहतर कंडीशन में है, ठीक है, मैं आपको लेंस दिखाता हूँ, काफ़ी हार्ड मेटल का है। अब अपन इसको ट्राई करेंगे, वाइड एंगल लेंगे इसमें। यह कुछ इस प्रकार का लेंस है गाइस, देख सकते हैं इस प्रकार का लेंस है। अब मैं इसको माउंट करूँगा और आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। ये कुछ नज़ारा इस प्रकार है, देख सकते हैं। मैं इसको निकालता हूँ, ये मैं इसको लगाता हूँ,
ये। तो गाइस आप साफ साफ फ़र्क देख सकते हैं वाइड एंगल का, थोड़ा एडजस्टमेंट साथ ऊपर नीचे है, नहीं आ रहा बट ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहाँ से पानी आ रहा है, ये पूरा रोड आपको कवर अप हो जा रहा है। ये हमारा वो है और ये हमारी गाड़ी खड़ी और यहाँ पार्टी हो रही है। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। सो गाइस बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो वाइड एंगल है काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है, बढ़िया। देखो आप लोकेशन देखो और आपको कितना ज़्यादा वाइड एंगल का प्रोवाइड कर रहा, बट इसमें मेरे को थोड़ा टेंशन ये लगा, थोड़ी थोड़ी स्लिपरी भी है और बरसात में मेरे को अभी डाउट है कि इसको यूज़ करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ, क्योंकि बरसात में मुझे थोड़ा लोड हो रहा है। बाकी आप गाड़ी देख सकते हैं, आपको पूरी गाड़ी दिख रही होगी, अभी मैं इसको हटा दूंगा ना, अभी आपको गाड़ी देखो ऐसी दिख रही है, बट मैं इसको लगाता हूँ तो गाड़ी ऐसी दिख रही है। तो ये ज़मीन आसमान का एक फ़र्क दिख जाता है वाइड एंगल लेंस में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी ऐसा है कि आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा व्यू काफ़ी सेक्सी व्यू हो रखा है, वाइड एंगल में साथ पूरा आ रहा हो। सो अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो वाइड एंगल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाइस। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है वो, तो आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आ तो ज़रूर आएँ, काफ़ी ही प्यारा व्यू है, मज़ा ज़रूर आएगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि पानी तेज आ चुका है, घर से फ़ोन आ चुका है, लेट्स गो। सो गाइस ये जगह देखिए आप, वाह यार वाह, मैं आधे टाइम आपको एक और बार ये जगह दिखाऊंगा, अभी आधे टाइम तो उसका आपको देखना ना होगा, बस आधे टाइम आपको मज़ा आएगा, इसकी गारंटी मेरी, आप बस भरोसा रखो। आने वाले टाइम में इतने ब्लॉग आएंगे ना, इतने ब्लॉग आएंगे कि ब्लॉग वाले बोलेंगे भैया बस कर ले, हैक होगा तेरी वजह से पूरा यूट्यूब। नाइस जोक। सो हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं पार्ट टू, पहले ही कहा था कि पार्ट वन और पार्ट टू दो निकालूंगा, इसमें थोड़ा सा डिले हो गया इसलिए क्योंकि थोड़ा मैं शूट पे भी मैक्सिमम जगह दिखा चुका हूं, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जाइएगा नहीं बिना उसके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रही मेरे साथ, और कंटिन्यू वीडियो आने वाले भाई एक के बाद एक, कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला चंदेरी की रिगार्डिंग, कहते चंदेरी शूट के लिए, और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसा क्या रहा है, एक तरफा जगह आपको मजा आएगा, उसकी गारंटी मेरी है। तो बने रहे नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे साथ और ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, तब तक के लिए जय श्री राम।